मित्रों, आज मुझे ऐसा अवसर मिल गया है कि हम दोनों के चैनल बॉस जो है श्याम गिरी साहब, उनकी गाड़ी ट्रैफिक में अटक गई है और वो पहुंच नहीं पा रहे। उनका फ़ोन आया कि मैं थोड़ा अटका हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, मगर नवभारत के ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ पत्रकार सूर्यप्रकाश मिश्रा तो आए हुए थे। मैं बोला अभी सूर्य और प्रकाश दोनों आए हुए हैं तो मैं भी नहा लूँ उसमें थोड़ा सा, और गिरी साहब मुझे इनके साथ बोलने ही नहीं देते, वो आपस में ही बात करते हैं, ज़्यादा करके उनको पसंद है, इनका दोनों का चक्कर चलता है और मेरे को चांस नहीं मिलता। आज मैं बोला गिरी साहब पहुँचने से पहले हम लोग चांस ले लेते हैं और बात कर लेते हैं, ज़रा लोगों को थोड़ा सा एक अलग आनंद भी लेने दो कि सूर्य प्रकाश और मैं चंद्र प्रकाश तो कैसे भिड़ते हैं, क्या है। देखो मिश्रा जी बोलता हूँ क्योंकि वो सूर्य प्रकाश जरा लंबा होता है, सूर्य प्रकाश बोल सकते हैं, सूर्य प्रकाश बोलते हैं क्यों, ठीक है। आपको आपको लोग क्या बोलते हैं? सूर्य प्रकाश भाई, दादा, नहीं बस सूर्य प्रकाश, तो आपको जैसा पुकारते हैं तो क्या बोलते हैं, सूर्य? हाँ नहीं, ऐसे तो कुछ बहुत कम पुकारते क्या है आपको, ऐसे ही बोलते हैं कि भाई सूर्य मिश्रा जी, मिश्रा, हाँ मिश्रा जी, क्योंकि जनरली थत्ते जी मिश्रा जी आपके उत्तर भारतीय जो है वो भी मुझे ज्यादा करके थत्ते जी बोलते हैं, उनको अनिल जी जरा मुश्किल लगता है, तो मिश्रा जी बोलता हूँ, वो छोटा सा छान स्वीट है। सर कैसे है ना कि अब मैंने देखा है कि जैसे ही हम उद्योग के खिलाफ बोलते हैं तो वीडियो एकदम दौड़ने लगता है और 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 तक जाता है जी। और जैसे ही उद्योग का कोई पॉइंट मेरे को पसंद आता है जी। और मैं बोलता हूँ नहीं बाकी ठीक है, उसमें दोष तो है बहुत सारे मगर गुण भी है कुछ, और कैसे हम पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, अलिप्त हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, गुण को गुण, दोष को दोष, बिल्कुल है कि दोनों, हाँ, एक समालोचना की तरह। लोग सहन नहीं करते, लोग बोलते नहीं उसके खिलाफ ही बोलो, हमारे गिरी साहब भी मेरे को हमेशा बोलते उसकी बैंड बजाओ, तो मैं क्या बोलता हूँ, ऐसी क्या परिस्थिति है कि लोग वोट देते हैं उसको, मंगे देंगे अभी भी देने वाले हैं, बिल्कुल अभी भी देने वाले हैं आने वाले समय में, तो उसको नफरत भी करते हैं और प्यार भी करते हैं, ऐसा कुछ हो रहा है क्या, और वो क्यों हो रहा है? सर जहाँ तक मेरी समझ है उद्धव जी को लेकर, उद्धव जी एक देखिए शुरू से ही, और पत्रकार आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने तो बहुत अंदर तक झांक कर देखा है लोगों को, लोगों के जीवन को, उनकी कार्यप्रणाली को, उनके राजनीतिक जीवन को, तो आपसे अपनी बात साझा करना मुझे बहुत ज़्यादा उसमें वो नहीं लगता, लेकिन फिर भी मेरा जहाँ तक आकलन रहा कि उद्धव ऐजे, आप पीछे चले जाइए कैमरामैन से लेकर जब उद्धव और राज एक साथ थे या बाला साहब की जो एक विचारधारा चलती थी उन्हीं के इर्द गिर्द पूरा महाराष्ट्र का एक राजनीतिक समीकरण बनता था, उद्धव के आने के बाद आपने देखा होगा कि थोड़ा मी मुंबई कर और ये सब सारी चीज़ें निकली, लेकिन मेरा मानना यहाँ तक है कि लोग कहते हैं कि उद्धव, उद्धव को मानते भी हैं, लेकिन उद्धव की जो एक कहा जाता है ना कि छवि जो है उनकी एक ऐसी बन गई है कि घरेलू जैसे कि घर से निकलने वाला व्यक्ति नहीं, जैसे बाला साहब भी जल्दी नहीं निकलते मातों से, लेकिन उनका औरा इतना बड़ा था, लेकिन उद्धव का जहाँ तक देख, अब आप एक छोटा सा ही उदाहरण अभी चुनाव का ले लीजिए, 84 साल की उम्र में चर्चा भी सर है शरद पवार जी, हाँ अपने उम्मीदवारों का फॉर्म भरने के लिए रास्ते पर उतरते हैं, सड़क पर उतरते हैं, अब कहते तो हैं कि भाई शरद पवार जी ही उद्धव को चला रहे हैं, कांग्रेस को चला रहे हैं, शरद पवार जी की इतनी बड़ी छवि है, इसके बावजूद भी उद्धव की कितनी बड़ी छवि है कि वो अपने दूसरे माले से पहले माले पर आने के लिए वो लगता है कि वो आ ही नहीं रहे हैं, लोगों से नहीं मिल रहे हैं, इतना जैसे चुनाव चल रहा है विधानसभा का और इसमें भी ये हो रहा है कि भाई कांग्रेस के भी लोग जा रहे हैं उनसे मिलने, लेकिन वो कहीं बाहर निकल कर नहीं आ रहे हैं, उस तरीके से उनका स्टैंड बिठा है, ये बात भी सही है, ये तो ये जो मेरा स्टैंड बिठा है तो 2 महीने डॉक्टर ने मना किया था, मैंने आपको मना किया था, लेकिन मैं नहीं देखता कि आप तो हमेशा झलकते रहते हैं, नहीं नहीं बिल्कुल, लेकिन
उद्धव जी की, लेकिन राजनीति में सर इस तरह की छवि नहीं चलती। राजनीति में कमजोर अगर छवि दिखाई जाएगी तो नफरत क्यों करते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि नफरत, नफरत शब्द देखिए राजनीति में, देखो अगर उद्धव के खिलाफ एक शब्द भी बोला और टाइटल में डाल दिया तो 25,000-50,000 जाता है, और ऐसा लिखा कि उद्धव की भी कोई एक बात है तो सीधा 2-5,000 पे आता है, मतलब लोगों को देखना ही नहीं है। मुझे ये लग रहा है कि देखना नहीं है, देखना नहीं है, उद्धव के प्रति उस तरह की सहानुभूति नहीं है अब राजनीति में, या वो सोचते होंगे कि राजनीति के लायक उतने उस तरीके से नहीं बचे हैं। अब ढाई साल वो मुख्यमंत्री थे, ये भी उनकी ये छवि बनाई गई कि ढाई दिन मंत्रालय नहीं गए, इस तरह से छवि बनाई गई और उसको खूब भुनाया भी जा रहा है। वो उनकी ये उनको देखिए, जो शिवसेना टूटी, शिवसेना जो एकनाथ शिंदे जी ने बगावत की और शिंदे इतना बड़ा निर्णय लिया, उसके पीछे भी उद्धव का ही लोग उनको अपयस मानते हैं, उनका फेलियर मानते हैं, आप जैसे कहते हैं उनकी असफलता को लोग परिभाषित करते हैं कि उनकी वजह से ही शिवसेना में दो फाड़ हुआ है। नहीं, नहीं, तो मगर कैसे कि अभी उद्धव की सेना टूट गई जी, 40 लोग अलग हो गए, तो उद्धव को हम बोलते कि इसको पता नहीं चला क्या कि अपनी पार्टी टूट रही है, वो संभाल नहीं पाया। बिल्कुल, ये सवाल शरद पवार के बारे में भी पैदा होता है, उसके भी 50 टूट गए, मगर शरद पवार के प्रति वो नफरत नहीं है, शरद पवार या उसको नहीं बोलते कि बाबा तुम अपयशी हो गए, शरद पवार की देखिए, शरद पवार का तो जहां तक देखिए सर, वो आइडियोलॉजी का हिसाब किताब ही नहीं है ना। शरद पवार ऐसे क्या आइडियोलॉजी? नहीं, बिल्कुल आइडियोलॉजी पर ही पार्टी बनी, पार्टी को आइडियोलॉजी के हिसाब से चलाना पड़ा सर। इनकी पार्टी का राज मैं बताता हूं जी, कैसे हुआ कि जैसे इनका साउथ इंडियन मुद्दा फेल हो गया बाला साहब का, उन्होंने साउथ इंडियन मुद्दा छोड़ दिया। हाँ। बाद में ऐसे नॉर्थ इंडियन का मुद्दा लिया, वो भी धीरे धीरे उनके ध्यान में आया, बम्बई में 60% तो वही है और पूरा हमारा बिजनेस ले लेके रिक्शा में बैठो कहीं भी जाओ, क्योंकि उत्तर भारतीय है वो हमारी सेवा में है, कोई बॉस नहीं बने। साउथ इंडियन का प्रॉब्लम क्या था, वो ऑफिसर थे तमिलनाडु पेरियार की जो एंटी ब्राह्मण ये हुई एजुटेशन, उसकी वजह से वहाँ के ब्राह्मण भाग के महाराष्ट्र में देश भर में फैल गए, तो वो ऑफिसर बन के आए, बैंकों में आए, सब जगह। तो मिडिल क्लास जो मराठी आदमी था जिसको ऑफिसर बनने की, क्लर्क बनने की इच्छा थी, उसके दुख दर में वो साउथ इंडियन उस समय था। बाद में जब वो रास्ते पे फेरी वाला करके जाने लगा, रिक्शा वाला होने लगा, तो ये नॉर्थ इंडियन उसके नजर में ये होने लगे, खटकने लगे, तो मजदूर वर्ग ही था ज्यादा से ज्यादा। तो अभी ऐसा है कि बाला साहब ने जो हिंदुत्व लिया वो कैसे है ना, वो एक्सीडेंटल है, लेकिन ज्यादातर सर उसी परिपाटी पर चला ना। जैसे जब बाबरी मस्जिद गिरी जी, तो उनको मालूम भी नहीं था कि किसने किस गिराई जी जी। तो क्या है ना कि किसी पत्रकार ने पूछा कि कौन गिराया, तो वो जो लोगों ने असल में गिराया, जो लोग वहाँ पे गए थे, जहाँ पे वहाँ पे खड़े होके आडवाणी जी थे, ये तुम्हारी मध्य प्रदेश की उमा भारती, ये बहुत सारे नेता सर, कैसे हुआ कि जैसे उनको क्या था ना, बादरी मस्जिद के खाली हल्ला गुल्ला करेंगे, एक एजिटेशन करेंगे, उनको ये मालूम नहीं था कि ये एक ऐसी भी पलटन तैयार होके आई है जो तोड़ने वाली है। तो सर जैसे टूटा ना, तो बाबरी मस्जिद में किसी को पसीना नहीं छूटा, वो टूटा, पसीना छूटा अपने भारतीय जनता पार्टी के नेता को, वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे और एक दूसरे पर ढकेलने लगे, तो उनमें से किसी ने बोला ये हमारा काम ही नहीं है, बजरंग दल उनका है करके उनका भी नाम लेने की हिम्मत नहीं, तो वो बोले ये शिवसेना से कर दिया। अब बात में बाला साहब के पास आ गई, एक पेपर वाले ने उनको पूछा कि तुम्हारे बोलते हैं आडवाणी वगैरह कि हमने नहीं किया बाबरी मस्जिद, ये तो शिवसेना ने किया, तो बाला साहब है वो बोले अगर किया होगा जी, तो मुझे गर्व है उनके ऊपर, किया होगा तो पब्लिक ने क्या होगा भूल गए और किया वही कायम रहा। तो उस समय जो उनको समय का एक पब्लिसिटी मिली, बिल्कुल उनके ध्यान में आया कि यार ये अच्छी बात है जी, हिंदू हृदय सम्राट बनने के लिए भी अच्छा। उसी समय कैसे 92-93 में दंगे जब हुए, तो सब उसके बाद वैसे हिंदू मिलिटेंसी जो थी
थी, वो शिवसैनिक तो तलवार लेके भिंडी बाजार में घुस गए थे, हाड़ामारी हुई थी, बहुत कत्ले हुई थी वहाँ पे जी। तो उस समय वहाँ का मुंबई का जो गुजराती समाज, वो जो भुलेश्वर वगैरह वो एरिया है, जवेरी बाजार ये, वो उन्होंने सामने देखा कि शिवसैनिक तलवार लेकर तोड़ रहे हैं भिंडी बाजार के लोगों को, तो उनको भी अच्छा लगा कि ये भाई मुसलमानों से हमारी रक्षा करने वाले हैं। तो उस समय भी बाला साहब को इतना मालूम नहीं था कि इतनी तलवारें चल रही है, वो तो शिवसैनिक थे। वैसे ही हो गया ना, जैसे थाना में दिघे ने जो किया, दिघे साहब ने, वो कहाँ उनको मालूम था, वो बाद में पता चला। सर राजनीति में मुद्दों का, मगर मुद्दा उठाना तो उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा उठा लिया, बीजेपी को भी वो आडवाणी रथ यात्रा ये वो उसकी वजह से तो जम गया उनका फिर भी। लेकिन आप देखिए, इतना मुद्दा उठाने के बावजूद भी उसका लाभ हिंदुत्व का बीजेपी उठा ली ज्यादा से ज्यादा। साहब ने पहले बोला 95 में जो सत्ता आई बीजेपी की और युति की वो भी इनकी वजह से नहीं आई, हिंदुत्व की वजह से। मैं साक्षी हूँ, प्रतापराव भोसले, शंकरराव चौहान, खताल पाटिल, सुधाकरराव नाईक और बाळासाहेब विखे पाटिल, इनके मैं बैठा था, मैं तो सेवा में था उनकी, प्रतापराव भोसले की पीए जैसा ही बैठा जैसा था, मुझे पीए जैसा, तो मेरे सामने चर्चा हुई कि शरद पवार को नहीं बनाने देना है, शरद पवार को नहीं बनाने देना है। तो जो 25 लोग अभी शरद पवार के साथ आके सरकार बनाने की सोच रहे, तो किसी भी हालत में शरद पवार को नहीं बनाना है। उन्होंने बाला साहब को मैसेज भेजा, बाला साहब विखे पाटिल खुद बाला साहब ठाकरे के मिले, बोले आप सरकार बनाओ, हम 25-30 लोग जितने कम पड़ेंगे दे देते हैं, तभी तो सरकार बनी। सर मनोहर जोशी को, मनोहर जोशी ने मेरे थ्रू प्रतापराव भोसले को पूछा था कि इतना सब आपके करने की वजह से सरकार आई है हमारे, तो कितने करोड़ चाहिए, मतलब वो 100 करोड़ देने को तैयार थे उनके। जो प्रतापराव भोसले अलग टाइप के आदमी थे, शंकरराव अलग टाइप के थे, कि जनता कितनी भुलक्कड़ होती है साहब, तो उनको मालूम ही नहीं ना ये ऐसा हुआ है कि शरद पवार को नहीं लाने के लिए 95 में सत्ता आई। 1992 हम आए, 1992 में जो मुंबई के दंगे हुए उसका असर कुछ नहीं था सर, उसका सबसे बड़ा विलेन कौन साबित हुआ, शरद पवार ही साबित हुए ना, शरद पवार थे उसके बाद। सर कैसे, उसमें देखो कि उस समय ना गोपीनाथ मुंडे लीडर थे बीजेपी के, हाँ, और वो ना दाऊद से जोड़ना चाहते थे शरद पवार को जी, और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में सुधाकर और नाइक भी उसको जोड़ना चाहते थे, क्योंकि उनको विलन करके मानी जा सकती है, ये किया विलन साबित किया उनको, मगर उसकी वजह से सरकार आई। और 95 बोलते भारतीय जनता पक्ष युति ची सरकार ले, तुम्ही कुठे आणली, या 5 लोकांनी ने तुम्हाला दिल्लीने आणली। लेकिन सर बात उद्धव की हो रही थी, तो आपको क्या लगता है क्यों उद्धव को, यो मैं बड़कता हूं, उद्धव को क्यों विलन साबित करने पर लगे हुए हैं लोग, इसमें पीछे आपको राजनीति लगती है या वाकई में लोग उद्धव को पसंद नहीं कर रहे हैं? सर कैसे है ना कि एक टीम आपके पास होनी चाहिए जी, जो टीम बुद्धिमान भी हो, प्रतिभावान भी हो, शब्द प्रभु भी हो, तो आप कोई भी इमेज किसी को दे सकते हैं। देखो दिघे साहब ने वो खोपकर का मर्डर किया, अभी अंदर जाते थे तो खूनी करके बाहर आते थे, उनके जीवन में अनिल सत्य था तो धर्मवीर बन के आ गए जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारे त्यागी थे उस समय, तुमको याद है जी, आड़ी त्यागी जी थे, त्यागी मुझे मिले, वो बोले एक तुमने मर्डर को धर्मवीर बनाया, इसलिए हम कहते हैं पत्रकारिता के बाला साहब ठाकरे आप ही हैं, मौका देखकर ही इतना बड़ा वक्त मारते हैं। नहीं नहीं कैसे है ना, उद्धव के पास ना एक विध्वंसक टीम है संजय राउत के, अच्छा जी, हाँ, जो निगेटिव बोलता है, निगेटिव बातें करता है, लोगों में नफरत पैदा करता है। क्या होता है, दुकान का कोई नौकर या मंत्री का पीए भी मिसबिहेव करता है तो हम मंत्री को गाली देते हैं जी, जी। जैसे संजय राउत, मिलिंद नार्वेकर, ये सब उन्मत्त वड़ू है, तो सांड है, तो उन्होंने जो ये किया है वो है ना, वो पकड़ा गया उद्धव की ये इसको पाल के रखता है, तो इसके लिए नफरत जो है वो संजय राउत से है, मिलिंद नार्वेकर से है, नफरत नहीं चलती। नहीं मिलिंद नार्वेकर तो कहीं बोलते नहीं सर, इस सर वो पैसा खाता है ना और उद्धव से मिलने नहीं देता, तो पैसा तो हर पार्टी के नेता खाते हैं, मगर ये पैसा लेता भी है, काम भी नहीं करता, ये बात है ना।
पैसा लेके उसने कितना पैसा दबा के रखा है सर, एक चाल के इतने से 10x10 में रहने वाला आदमी 10,000 फुट में रहता है। मिलिंद नार्वेकर के बारे में मैंने भी एक मैं छोटा सा उदाहरण बताता हूँ साहब के सामने। शिंदे साहब जब पूरी तरह आप जानते हैं कि जिस तरह के समर्पण के साथ एकनाथ शिंदे जी ने ठाणे जिले को आनंद दिघे साहब के बाद बढ़ाया और जिस तरीके से संभाला, जिस तरह से मातोश्री को भी ये कहा जाता है पूरी तरह वो संभालते थे, लेकिन इन बीच वाले जो इस तरह के थे, संजय राउत के का नाम लेते हैं, जैसे मिलिंद का नाम आपने लिया, तो ऐसे कई बार मैंने एक दो बार तो साहब के मुंह से हमने सुना कि चाय से ज्यादा केतली गरम। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मतलब वो चाय से ज्यादा केतली गरम किस तरीके से बदनाम, तो केतली होती है, बदनाम केतली होती है। तो सर क्या हो गया, इस तरह की बातें आई हैं। उद्धव का प्रॉब्लम क्या हो गया मालूम है कि उसकी बीबी ने उसके ऊपर हावी हो गई और राघोबा दादा और आनंदी भाई हमारे पेशवाई में बहुत एक बैड नेम कपल है। अच्छा। तो इसको आनंदी भाई बोलने लगे और इसको राघोबा दादा। राघोबा दादा क्या, अपनी वो नारायण राव पेशवे का मर्डर किसने किया? राघोबा दादा ने किया। फिर वो सब ऐसा हो गया कि भाई शिवसेना से जितने लोग बाहर ढकेले गए, राज गया किसकी वजह से, बाला साहब ने उद्धव, राणे गए किसकी वजह से, इनके, गणेश ने गया किसके, उद्धव से, सब सब जितने भी बाहर गए वो उद्धव की वजह से जाते हैं। इसका मतलब ये कि यही काला कांडी करता है, करता भी था, मतलब वो क्या रहा है, इनसिक्योर महसूस करता है, किचन कैबिनेट टाइप का, तो ऐसा हो गया कि इसके लिए भी विलन, जो जो बाहर निकलता था उद्धव को गाली देता था, वो गालियां अभी तक। इस तरह की तो बातें आपने जिस तरह से आपने कहा, इस तरह की बातें सामने आई, और बाला साहब को, बाला साहब को तो बोलते हैं मानव परमेश्वर है, यही कली पुरुष है। जी जी जी, राज ठाकरे ने, राज ठाकरे जी ने भी यही बोला। बाकी चीजें मतलब हर तरह से एक तरीके से उनको मिले, आपको आपको अलग अलग सब्जेक्ट में लेता हूँ, जैसे बदनाम है हमारा उद्धव, उसकी कितनी गलती है वगैरह वो छोड़ो, अभी वो सब्जेक्ट ही बाजू में रखते हैं। फडणवीस के खिलाफ षड्यंत्र क्यों किए जाते हैं, वो ब्राह्मण है करके किए जाते हैं, ज्यादा पावरफुल हो रहा है करके किए जाते हैं, या अमित शाह उसके खिलाफ है ये देखकर अभी सभी उसके खिलाफ हो रहे हैं। निसंदेह जिस तरह 14 से 19 के बीच में फडणवीस एक ताकत बनकर उभरे और उन्होंने जिस सफलता के साथ 5 साल सरकार चलाई, जिस या आप उसके पीछे, सर सफलता आप किसको कहते हैं, रोज जो शिवसेना वाले बोलते थे राजनामा हमारे खिसे में है, ये क्या सरकार की एकता है? मैं राजनीति में तो देखिए जब तक बोलना, 5 साल अपोजिशन कौन थे, बोलना अकेले 5 साल फडणवीस के कार्यकाल में जी अपोजिशन पार्टी का रोल कम करते थे, अरे शिवसेना ही करती थी, बिल्कुल सबसे बुरे आग्रह कौन लिखता था, संजय लिखता था और फडणवीस के खिलाफ लिखता था, तो ये कौन सी पार्टी हो गई भाई, संदेह लिखते थे, तो यही तो खासियत कही जाएगी ना। हाँ, इसके बावजूद उन्होंने संभाला। शरद पवार जी का इतना भारी विरोध होता है, शरद पवार जी को मैं देखता हूं मीडिया से लेकर जनता से लेकर शहरी जनता का जहां तक वो है गालियां देती है और अलग अलग तरह के आरोप लगते हैं, और फिर 50 लोग चुन के आते हैं उनके, हर बार जितने भी लोग जाते हैं, बिल्कुल अब तक हर बार उनके लोग भाग जाते हैं, और 50 आ जाते हैं, वो आ जाते हैं, उनकी ये उसकी एक ताकत है, 50 के आगे नहीं जाते, सही है, वो भी मर्यादा ही है कि 50 के आगे नहीं जाएंगे, और राज्यों में देखिए उनके जो, मैं अभी फडणवीस के बारे में बोलो, कि फडणवीस के बारे में भी ऐसा होता है, उनके खिलाफ बोला इनके उल्टा है, मन से खिला बोला तो वीडियो कट हो जाता है। जी का एक समस्या है। ये गुडविल जो भी हो, लेकिन फडणवीस जी की ये समस्या तो अब ये 2019 के बाद आई, जिस तरीके से महाराष्ट्र में तोड़फोड़ की राजनीति हुई, या इसके लिए बोलते हैं देखिए ना, अब उनको ही जिम्मेदार ठहराया गया, और समय समय पर आके उन्होंने कहा भी कि नहीं मी दोन पार्टियां तोड़ लिया, दोन पार्टियां तोड़ लिया, असल में वो अमित शाह ने तोड़ लिया, राजीव दादा टूटे हुए तो इनको मालूम भी नहीं था, पता भी नहीं, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पहले, ये मेरे को मालूम था, इनको मालूम नहीं था, इनको नहीं पता था, तो ये जो आपने कहा ना, ये कुछ कारण ऐसे हैं उनके ऊपर आ गए, उन्होंने जो ओबीसी को जो तोड़ने का एक तरीके से ओबीसी नेताओं को किनारे करने का भी आरोप उन पे लगा, अब उसमें कितनी सच्चाई है, राजनीति में बहुत सारी चलता है, चाहे खड़से रहे हों, चाहे मुंडे बोले, वो बिल्कुल सही है कि उन्होंने बाहर के लोगों के जितने ये किए उसे ज्यादा अपनी पार्टी के लोगों को खत्म किया, तावड़े है, दुश्मन बनाया, एक तरीके से दुश्मन बनाया, लेकिन जब सर आपकी ताकत शरीर जब मजबूत रहती है,
एक उदाहरण है, जब आप मजबूत रहते हैं तो आपको कोई रोग नहीं घेरता या ज्यादा, जब आपके वीक हो जाते वीक होते हैं तो चारों तरफ से बीमारियां आ सारी बीमारियां आपको घेर लेती हैं, सारे हमला करने से। और अमीषा का जो थोड़ा सा मनमुटाव है जी जी, उसका कारण का वो है कि नहीं, मुझे मैं बोलता हूँ है है, क्योंकि उसके पुरावे उन्हीं के लोगों ने मुझे दिए हैं। अमित शाह का योगी से भी लैंग्वेज देखते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से भी अमित शाह जी का है थोड़ा। देखिए राजनीति में अमित शाह जो है अलग तरीके की राजनीति, मात्र आदमी होते हुए महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र में दूसरा फडणवीस के लायक का कौन है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। फिर इसको संभालते नहीं, उसको दुखाते हैं, नहीं तो यही तो सब समस्या आई। ये कहने लगे कि भाई फडणवीस ने अपने आप को पूरा महाराष्ट्र का मतलब कैप्चर कर लिया। और जो दिल्ली की राजनीति होती है ना साहब, जो जहां तक चलती है वो काटने वाली राजनीति हो, चाहे आप बीजेपी की राजनीति देखिए, कांग्रेस की राजनीति, एक नेता शरद पवार के तो विश्वसनीय कभी नहीं रहे, लेकिन शरद पवार फिर भी दिल्ली से पूरा उनका काटने की वो चलती रही। तो इसी तरह के फडणवीस जी, शंकर चौहान मेरे पिता समान थे, उनके साथ था, उन्होंने एक बार मैं बोला आप शरद पवार के इतने खिलाफ क्यों हैं, बोले क्या है ना, दिल्ली उसी को संभालेगी जो शरद पवार के खिलाफ होगा। वो तो बोलते हैं प्रदेशाध्यक्ष और मुख्यमंत्री का अगर जम रहा है तो प्रदेशाध्यक्ष को हटाओ। बहुत बड़ी बात कही आप, प्रदेशाध्यक्ष को हटाओ। जी जी जी। प्रताप राव भोसले को विलास राव देशमुख से झगड़ना इसलिए पड़ा, नहीं इसलिए पड़ा कि दिल्ली वालों ने पूछा, अरे आपको तो वॉच डॉग करके भेजा है उधर विलास राव को कंट्रोल करने के लिए, आप तो उनमें ही बैठते जा रहे, तो फिर उन्होंने ये खिलाफ बोलना शुरू किया, फिर दिल्ली खुश हुई। जब दिल्ली खुश हुई तो दो दो तीन तीन बार वो मुख्यमंत्री बने विलास राव। ये चीजें सेम बीजेपी में भी वही लागू होती है कि आप अगर उनकी, अब फडणवीस जी, लास्ट सवाल आपको पूछता हूँ, आने वाला चुनाव धर्म पर ये होगा या निश्चित होगा या जाति पर? देखिए धर्म पर तो ठीक है, धर्म बड़ा कैनवास है, लेकिन महाराष्ट्र में इस समय जिस तरह से चल रहा है ना सर, ग्रामीण इलाकों का, जहाँ शहरी इलाकों को छोड़ दिया जाए तो वहाँ बीजेपी थोड़ी सफल भी हो रही है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जाति की ही राजनीति हावी है। उत्तर प्रदेश बिहार की तरह उसी की तर्ज पर महाराष्ट्र भी जा रहा है, और जिस तरह से देखने में आया है दो साल डेढ़ दो साल से तीन साल से जाति की राजनीति हावी है, और उसको देख कर सारी पार्टियाँ जाति का समीकरण लगाने में ही लगी हुई है। आप देख लीजिए, चाहे शिवसेना की राजनीति हो, चाहे बीजेपी की राजनीति हो, चाहे कांग्रेस की राजनीति हो, कोट भेद ऐसा पैदा हो रहा है कि मराठा और मराठा का कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब दूसरे मराठा जैसे जाट और गैर जाट, या दूसरे जाट, ऐसा वैसा ही मराठा ओबीसी उसमें भी हो रहा है। आप जरांगे की बात जैसे कर, जरांगे ने जिस तरह के अगर उम्मीदवार अगर खड़ा करते हैं जरांगे, कुछ खड़े कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसके पीछे इसका यही एक जाति। इसमें भी बड़ी बात है, जैसे दत्ता सामंत का मैं काम करता था, राइट हैंड था उसका, तो सर दत्ता सामंत को कांग्रेस वाले ही संभालते थे, कैसे ना कम्युनिस्टों को खत्म करने के लिए शिवसेना की भारतीय कामगार सेना निकली, उन्होंने कम्युनिस्ट कृष्णा जैसे का मर्डर से लेकर सब कुछ किया। बाद में जब शिवसेना हावी होने लगी तब उन्होंने दत्ता सामंत को लाया और उसको बड़ा किया, मुझे मैं जानता हूँ साथ में था। ऐसे ही इधर थोड़ा हो रहा है कि फडणवीस को डाउन करने के लिए मुझे लगता है कि मराठा लॉबी ने ये प्रयोग जरांगे का प्रयोग किया और वो सक्सेस हो गया। सक्सेस हो गए। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं। और शरद पवार से ज्यादा मुझे तो एकनाथ शिंदे जी का उसमें हाथ दिखता है। जरांगे जी एकनाथ शिंदे जी को काफी मानते हैं, और जरांगे की इच्छा है कि एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बने। और आपकी जानकारी के लिए सर, मैं कई बार भी इसके पहले भी बोला हूँ, आप 288 सीटों पर आप महाराष्ट्र की हैं, आप देख लीजिए कि 288 सीटों से 150 सीट मराठा समाज चुन के आता है। 150 सीटें जो मराठा समाज का ऐसा है कि कितने भी चुन के आते हुए उसमें 50 शरद पवार के रिलेटिव होते हैं। वो अलग बात है, वो राजनीति का एक अपना अलग, दूसरे पार्टी में भी आते हैं, भाजपा में भी जो मराठा है वो उसके रिलेटिव होते हैं, लेकिन 1 से 40। अभी आप देखिए ना किस तरह की अदला बदली चल रही है, अजित पवार को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, इवन शिवसेना एकनाथ शिंदे भाजपा के उम्मीदवार शिवसेना से खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल भाजपा के बहुत सारे उम्मीदवार देखिए, अभी कल के भी जो आपने लिस्ट आई देखिए, सब कुछ अजीत पवार को दिए जा रहे हैं, कुछ शिंदे साहब को बांट रहे हैं कि भाई दत्तक ले लो। तो अभी आखिरी एक लास्ट सवाल, महायुति और महागढ़ी का अब बैलेंस कैसा है, कौन आगे कौन? देखिए अभी भी कहना मुश्किल है सर, अभी भी 2-4 दिन लगेंगे,
लेकिन मतलब जब उसके बाद फॉर्म पूरे होने के बाद उसके बाद जो खड़े हैं एक दूसरे के खिलाफ या जैसे फॉर्म वगैरह भरे हैं जो 2-5 हज़ार 10 हज़ार की ताकत वाले लोग हैं वो वापस लेते हैं कि या मैदान में डटे रहते हैं तो कौन किसके खिलाफ जाता है इस पर काफ़ी डिपेंड करेगा। मैंने कहा है ना सर 30-40 सीटें महाराष्ट्र की ऐसी हैं कि जो 5,000 3,000 4,000 वोटों वाली सीटें हैं तो अगर इसमें अगर इस तरह का गणित बनाना तो वो इधर भी पलट सकता है इधर भी पलट सकता है तो अभी ये कहना मुश्किल है लेकिन मुझे लगता है कि 7-8 दिनों में आगे आने वाले दीपावली के बाद 5 तारीख के बाद ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मित्रों ऐसा हो गया कि गिरी साहब आ गए हैं अभी तो उनके हवाले हमको ये स्टेज करना है तो मजा आया इनके साथ। ये वैसे मुझे प्राइवेट में बहुत मेरे खास मित्र है ही हम दोनों बैठ के कभी बात नहीं डर लगता है सर। आज गिरी साहब आए अभी तो उनके हवाले मैं ये मंच कर देता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद जय श्री राम।